नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। पहले ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया और अब पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमला कर दिया है। दोनों तरफ से माहौल काफी गर्म है। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि दोनों देशों में किसकी सेना सबसे ज्यादा मजबूत है, किस देश के पास सबसे ज्यादा लड़ाकू विमान है, किस देश के पास सबसे ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पनडुब्बियां और पेट्रोलिंग वेसल है। पाकिस्तान के लिए सबसे मजबूत बात यह है कि उसके पास परमाणु हथियार है, जबकि ईरान के परमाणु हथियार अभी डेवलपमेंटल फेज में है। हालांकि ईरान के परमाणु हथियारों के बारे में कोई पुख्ता जानकारी बाहर नहीं है। कई लोग यह भी मानते हैं कि रूस की मदद से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में काफी तरक्की कर ली है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत, ईरान और पाकिस्तान का क्षेत्रफल एरिया जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग के अनुसार पाकिस्तान के पास ईरान की तुलना में ज्यादा समर्थ सैन्य ताकत है। इस इंडेक्स में 145 देशों की सेनाओं को रैंक किया गया है, जिसमें भारत का स्थान चौथा है, हमने आपको कल ही बताया था। अब आप स्क्रीन पर लगे इस ग्राफिक को देखिए। 2024 की रैंकिंग में ईरान 14वें पायदान पर और पाकिस्तान 9वें पायदान पर है। एयरफोर्स, नेवी और थल सेना में पाकिस्तान के पास ज्यादा संसाधन है। हालांकि कुछ मामलों में ईरान पाकिस्तान को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आता है। ईरान की आबादी 8.75 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की इससे लगभग 3 गुना ज्यादा 24.76 करोड़ है। पाकिस्तान के पास ईरान के मुकाबले दोगुनी ज्यादा मैन पावर है। ईरान के पास 4.90 करोड़ और पाकिस्तान के पास 10.64 करोड़ मैन पावर है। एक्टिव पर्सनल के मामले में ईरान और पाकिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान के पास 6,54,000 और ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव पर्सनल है, जबकि पाकिस्तान के पास ईरान से 2 लाख ज्यादा रिजर्व पर्सनल मौजूद है। कम आबादी होने के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। ईरान का डिफेंस बजट लगभग 6.8 बिलियन डॉलर का है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान का बजट मात्र 6.34 बिलियन डॉलर ही है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कई गुना ज्यादा पैसों का कर्ज भी है। अगर पाकिस्तान हवाई हमला करता है तो उसकी सेना के पास 1437 एयरक्राफ्ट है, वहीं ईरान के पास इसका सामना करने के लिए 551 एयरक्राफ्ट ही है। इनमें से भी 186 ही फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ईरान के डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या मात्र 23 है। दूसरी ओर पाकिस्तान के पास 387 फाइटर एयरक्राफ्ट और 90 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। हेलीकॉप्टर के मामले में भी दोनों देशों के बीच बड़ा फर्क है। पाकिस्तान के पास 352 और ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर है। इनमें से पाकिस्तानी सेना में 57 अटैक हेलीकॉप्टर और ईरान की वायुसेना में 13 अटैक हेलीकॉप्टर है। एयर पावर को देखें तो ईरान एक मामले में पाकिस्तान से आगे है। उसकी एरियल टैंकर्स की टुकड़ी पाकिस्तान से बड़ी है। ईरान के पास 7 एरियल टैंकर है और पाकिस्तान के पास कुल 4। हालांकि पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग देने वाले फाइटर जेट्स 549 है, जबकि ईरान के पास ऐसे कुल 102 जेट्स ही है। स्पेशल मिशन पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 10 एयरक्राफ्ट है, वहीं पाकिस्तान के पास ऐसे 25 एयरक्राफ्ट है। जमीनी ताकत में कोई एक देश दूसरे पर भारी पड़ता नजर नहीं आता। ईरान के पास जहां 65,756 बख्तरबंद वाहन है, वहीं पाकिस्तान के पास लगभग 50,000 आर्म्ड व्हीकल भी मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना में ईरान से 173 कम यानी कि 602 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स है। टैंकों की संख्या देखें तो पाकिस्तान के पास इनकी बड़ी टुकड़ी है। उसके पास 3,742 टैंक है, जिनका सामना करने के लिए ईरान के पास लगभग 2,000 टैंक ही है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी के मामले में भी पाकिस्तान आगे है। उसके पास 752 आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास मात्र 580 ही है। पाकिस्तान के पास खींचकर ले जाने वाली आर्टिलरी भी ज्यादा है। उसके पास 3,238 टोर्ड आर्टिलरी है, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 2,050 ही है। अब इनकी समुद्री ताकत भी देख लेते हैं। ईरान के पास कुल फ्लीट 101 है, जबकि पाकिस्तान के पास 14 जहाज है। ईरान की नौसेना के पास पाकिस्तान से ज्यादा पनडुब्बियां हैं।
ईरान की सेना में 19 पनडुब्बियां हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 8 पनडुब्बियां हैं। दोनों देशों के पास ही एयरक्राफ्ट कैरियर और हीलो कैरियर नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के पास 2 डिस्ट्रॉयर है तो ईरान के पास 1 भी नहीं है। ईरान के पास 3 तो पाकिस्तान के पास 7 कॉर्बेट युद्धपोत है। माइन वॉरफेयर की संख्या देखें तो ईरान के पास 1 और पाकिस्तान के पास इनकी मात्रा 3 है। पेट्रोलिंग के लिए पाकिस्तान के पास 69 वेसल है, जबकि ईरान के पास सिर्फ 21 पेट्रोल वेसल ही है। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए पाकिस्तान के पास 151 हवाई अड्डे हैं, जबकि ईरान के पास 2 गुने ज्यादा यानी 311। पाकिस्तान के पास मर्चेंट जहाज 58 है, जबकि ईरान के पास कई गुना ज्यादा 342। पाकिस्तान के पास 2 बंदरगाह है, जबकि ईरान के पास 4 बंदरगाह। यह चीजें जंग के दौरान बैकअप सपोर्ट का काम करती है। अब जरा आप स्क्रीन पर देखिए कैसे भारत, पाकिस्तान और ईरान का क्षेत्रफल कनेक्टेड है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ईरान का एरिया पाकिस्तान से 2 गुना है, वहीं भारत का एरिया ईरान से 2 गुना तो पाकिस्तान से 4 गुना है। ऐसे में दोस्तों आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है? वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।